दोस्तों, धरती की उत्पत्ति से लेकर अब तक लगातार धरती के अंदरूनी संरचना में लगातार बदलाव हो रहा है। इसके प्रमाण आए दिन होने वाली भूकंप की घटनाओं से मिलते रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिसर्च किया है जो नीले ग्रह को लेकर बहुत ही विनाशकारी संकेत दे रहा है। वैज्ञानिकों का ये दावा डराने वाला है। आखिर क्या है वैज्ञानिकों की चेतावनी जो धरती के खत्म होने के संकेत दे रहे हैं? क्या ये चेतावनी मनुष्य के अस्तित्व को खत्म कर देगी, या फिर वैज्ञानिकों का ये दावा मात्र एक आशंका ही है? आखिर क्या है ये चेतावनी? इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे धरती के अंदरूनी भागों में आखिर क्या चल रहा है। तो इन सवालों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, धरती की अंदरूनी संरचना को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का मूल भाग लोहे और निकल जैसे धातुओं से मिलकर बना हुआ है। धरती की उत्पत्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे इसका मूल भाग लोहे और निकल के मिश्रण से बना हुआ है। लेकिन अब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, ऐसा लगता है कि इन धातुओं में भी जंग लगने लगी है। जंग जो लोहे का दुश्मन है और ये धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसा ही धरती के अंदर देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की संरचना में बड़े बदलाव हो रहे हैं जिन्हें तत्काल देख पाना संभव नहीं है। प्रयोगशालाओं में किए गए नए शोध ने वैज्ञानिकों का माथा ठनका दिया है। इसमें संकेत मिला है कि पृथ्वी के भीतरी भूभाग में मौजूद लौह धातु भी जंग लगने की वजह से प्रभावित हो सकती है, जो कि लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन मानी जाती है। दोस्तों, जंग लगना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तब होता है जब लोहा नम हवा या ऑक्सीजन युक्त पानी के संपर्क में आता है। लोहे के काम करने वाले कारीगरों के लिए यह हमेशा से एक चिंता की वजह रही है। धरती का मूल हिस्सा पिघले हुए लोहे से बना हुआ है और नए शोध में ये बात सामने आई है कि इसमें भी जंग लग सकती है। इस शोध का नतीजा एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंस में प्रकाशित हो चुका है। प्रयोग के दौरान ये बात सामने आई है कि जब लोहा करीब 10 लाख वायुमंडलीय दबाव में पानी या हाइड्रोक्सिल मिनरल के संपर्क में आता है तो इसकी वजह से आयरन परऑक्साइड बन जाता है, जिसकी संरचना पाइराइट की तरह की होती है, जो कि जंग लगने का संकेत दे रहा है। इस प्रयोग ने इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस दबाव वाली स्थिति में ये किया गया है वो धरती के आंतरिक मेंटल की स्थिति से मेल खाता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि धरती की सतह के अंदर की और ज्यादा वास्तविक हालात की जानकारी उन्हें ज्वालामुखी विस्फोट से निकले धुएं के विशाल गुब्बार से मिल सकती है। इस नजरिए के सामने आने के बाद पृथ्वी के अंदर चल रही गतिविधियों को समझने और उस पर काम करने का तरीका बदल जाएगा। धरती के सभी वैश्विक हिस्सों से अलग पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की आंतरिक रासायनिक संरचना और उसके भौतिक गुणों में बहुत ज्यादा अंतर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कोर मेंटल बाउंड्री पर समय के साथ जंग लग रही है तो जरूर कुछ न कुछ भूकंपीय संकेतों को प्रदर्शित करने वाली एक परत जमा हो चुकी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रयोग से पता चलता है कि जंग की वजह से भूकंपीय वेग और संकुचित तरंगों में काफी कमी आई हो सकती है। ये कमी धरती के मूल हिस्से में लग रही जंग को तब पहचानने लायक बन सकती है जब इसकी परत 3 से 5 किलोमीटर मोटी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिक लगातार शोध भी कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक हाल ही में इसका मूल भाग में जंग लगने के दावों को लेकर ये पता नहीं लगा पाए हैं कि जंग लगने की शुरुआत की वजह क्या रही होगी। शोध से ये तो पता चला है कि धरती के मूल हिस्से में जंग लग रही होगी, लेकिन इस घटना की वजह का पुख्ता प्रमाण जुटाना बहुत कठिन है। वैसे वैज्ञानिकों को भरोसा है कि और ज्यादा शोध के बाद इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी के इतने अंदर के हिस्सों की जानकारी निकालना पहले ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आगे होने वाले अध्ययनों में इसके और ज्यादा प्रमाण मिल सकते हैं। दोस्तों, महान ऑक्सीकरण की घटना पृथ्वी के इतिहास में ऐसी घटना है जब वायुमंडल और उत्तरी महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। करीब 2.5 से 2.3 अरब साल पहले अचानक हुई इस घटना ने पृथ्वी के बहुत से अवावीय जीवन को नष्ट कर दिया। इसे महाविनाश की घटना भी कहा जाता है, लेकिन इसी के कारण पृथ्वी पर आज के जीवों के अनुकूल हालात बने थे।
लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर धरती के अंदर वाकई जंग लगने की प्रक्रिया चल रही है तो इस नीले ग्रह का भविष्य कितना सुरक्षित है। वहीं जूल्स वर्ने ने 1864 में बताया था कि धरती का केंद्र खोखला है। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को 1950 में खारिज कर दिया था और बताया था कि पृथ्वी के इनर कोर में अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण यहाँ पहुंचना संभव नहीं है। हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी के भूभौतिक वैज्ञानिक रेड बटलर और उनकी टीम के मुताबिक पृथ्वी का केंद्र पूरी तरह से सख्त नहीं है, बल्कि कुछ स्थानों पर इसमें तरल भी मौजूद है। इसके साथ ही एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि धरती पर भयंकर भूकंपीय तबाही आ सकती है। दरअसल भौगोलिक परिवर्तन पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। इसकी रिपोर्ट अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी के मुताबिक धरती के अंदर केंद्र में मौजूद हिस्सा घूमता हुआ पाया गया है, जिसकी वजह से धरती के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। यही वजह है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से खिसक कर साइबेरिया पहुंच गया है। प्रोफेसर जियाओ डोंग ने बताया कि उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग स्थानों पर भूकंप के आने की दरों का अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि भूकंप के आने की दर धरती के अंदर घूम रहे कोर की वजह से कम ज्यादा हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कोर के घूमने की वजह से धरती की ऊपरी सतह और प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं। इससे धरती के ऊपर बने पहाड़ों की ऊंचाई पर भी असर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इन प्लेट्स के लगातार खिसकने से पहाड़ों की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की वजह से पैदा हुई भूकंपीय तरंगे धरती के केंद्र तक जाती हैं। अगर केंद्र रुका रहता तो ये अंदर तक जा ही नहीं पाती, लेकिन इसके लगातार घूमने से खतरा बढ़ गया है। इससे भविष्य में बड़े भूकंप आ सकते हैं। भौगोलिक स्थिति में हो रहे ये बदलाव खतरे की ओर इशारा करते हैं। पीकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस स्टडी के सहलेखक जियाओ डोंगसांग ने कहा कि वे साल 1996 से इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। उस वक्त धरती के कोर में एक छोटा भूकंपीय परिवर्तन देखने को मिला था, जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वही पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक और रिसर्च की है, जो धरती के पतन की ओर इशारा करती है। वेबसाइट वियॉन के रिपोर्ट के मुताबिक कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के ETH प्रोफेसर मोतोहिको मुराकामी और उनके एक साथी ने रिसर्च की है, जो अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स जनरल में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च के मुताबिक धरती के अंदर का हिस्सा अपेक्षा से जल्द ठंडा हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बुध और मंगल ग्रह पर हुआ था, जहाँ जीवन का नामो निशान नहीं है। इन विशेषज्ञों ने एक माप प्रणाली विकसित की है, जो प्रयोगशाला में ब्रिजमेनाइट की तापीय चालकता को मापने में सक्षम बनाती है। ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद दबाव और तापमान की स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं। इसमें सामने आया कि धरती के कोर से मेंटल में गर्मी का प्रवाह भी पहले की तुलना में अधिक है। अधिक ऊष्मा प्रवाह मेंटल संवहन को बढ़ाता है, जिससे पृथ्वी की ठंडक बढ़ती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये बदलाव ग्रह के ठंडा होने की ओर ले जा रहे हैं। मुराकामी का कहना है कि हमारे परिणाम हमें पृथ्वी की गतिशीलता के विकास पर एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी अन्य चट्टानी ग्रहों बुध और मंगल की तरह ठंडा हो रहा है। हम अभी भी इस प्रकार की घटनाओं के बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं। वहीं अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सवाल एक रिसर्च के सामने आने के बाद तेजी से उठ रहा है।